तो दोस्तों देखिए, ये सब कंप्रेशर के हिस्से है। कंप्रेशर कटने के बाद इसके अंदर का का देखने को मिलता है। तो देखिए, कंप्रेशर कटने के बाद इसके अंदर से इसका जो हाउजिंग देख रहे हैं कि चार माउंटिंग स्प्रिंग है। इस पोजीशन में कंप्रेशर की जो कॉयल होती है, जो वाइंडिंग होती है, इस जगह में इसका स्टैंड किया जाता है। और ये देखिए, ये बिल्कुल लोहे का पाइप है जिसे डिस्चार्ज पाइप कहते हैं। अब जिसमें इसे पंप चेक करते हैं, वो पाइप है, लोहे का पाइप है। ये पंपिंग हेड में कनेक्ट किया जाता है ताकि जब भी कंप्रेशर के वाइंडिंग में लाइन पहुंचता है, वो कंप्रेशर को स्टार्ट कर देता है। और इस तरीके से जो लोहे के पाइप है, इसमें से वो पंप करता है। पंप करने के बाद इस पाइप के थ्रू डिस्चार्ज पाइप के अंदर से इसमें जो एयर है वो पंप करने लगता है। तो उसे देखिए, ये जो कंप्रेशर की बॉडी है, ये सारी कॉयल शॉर्ट हो चुका है, इसके वाइंडिंग शॉर्ट हो चुका है, इसके बदले इसे रिपेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास बहुत सारे कंप्रेशर है, तो ये दोस्तों होता है आर्मेचर। इसके आसपास चार बोल्ट से इसमें जोड़ा जाता है इसके वाइंडिंग को। और जब भी इसमें वाइंडिंग दिया जाता है, तो ये आर्मेचर हमेशा घूमते रहते हैं जब तक इसका ओवरलोड ट्रिप ना कर दे, ऑटो ना हो जाए। तो देखिए, जो प्लास्टिक के आप जो सफ़ेद निशान देख पा रहे हैं, सफ़ेद प्लास्टिक का, इसके नीचे पंपिंग हेड है। पंपिंग हेड के जरिए वो कंप्रेशर को पंप देता है और वो डिस्चार्ज के थ्रू बाहर की तरफ निकलता है। तो दोस्तों देखिए, ये होता है पंपिंग हेड। तो दोस्तों आगे जाके और मैं क्लियर करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होती हो और आप इसे कैसे पहचानोगे कि कंप्रेशर वो कैसे काम करता है और उसके अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है। तो दोस्तों देखिए, ये सब फ्रिज के कंप्रेशर है, रेफ्रिजरेटर का कंप्रेशर है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो उसे देखिए, ये सिर्फ होता है, ये एक पंपिंग हेड होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, पिस्टन होता है। तो उसे देखिए, ये जो आपको प्लास्टिक के देख रहा होगा, इसके नीचे जो चार एलिंकी के जो स्क्रू है, जो नाट होता है, इसी के अंदर होता है पंपिंग हेड। देखिए, ये पंपिंग हेड है और ये जो देखिए जो घूम रहा है वो पिस्टन है। पिस्टन जब भी इसके घूमना शुरू कर देता है, तब भी वो रोटर जिससे रोटेट होता है और ये जो पंप है, पंप वो निकलता है और तब भी कंप्रेशर की अंदर से वो प्रेशर आपको महसूस होता है, आप प्रेशर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर फ्रिज का है। तो दोस्तों आगे जाके और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कंप्रेशर को कैसे काटा जाता है और उसके बाद कैसे रिपेयर किया जाता है, इन सब चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। तो देखिए, ये जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर की वाइंडिंग है, तो ये बिल्कुल जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल कॉपर की वाइंडिंग है। किसी किसी कंप्रेशर में एल्युमिनियम की वाइंडिंग भी होता है। तो इस जगह देखिए, ये जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग इससे कंप्लीट किया जाता है। तो किस तरीके से इसके वाइंडिंग होता है, तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों देखिए, इसका जो वाइंडिंग होता है, इसके नीचे फाइबर रख के इससे कम किया जाता है ताकि जो इसका वायर होता है, वायर अगर किसी भी तरह घिस जाता है तो उस जगह से वायर लीक होगा और दोबारा शॉर्ट हो जाएगा। तो उसे देखिए, ये काम करने में आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर नए नए काम शुरू करते हैं तो आपके बहुत परेशानी होगी। तो उसे देखिए, ये जो आपके रोटर होता है, रोटर आर्मेचर के ऊपर ये इंजन आपको, ये जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग उस जगह फिट किया जाता है। जब भी इसके अंदर पावर दिया जाता है, वो रोटर हमेशा घूमने लगता है और तब भी वो कंप्रेशर के थ्रू, पंपिंग के थ्रू, कनेक्टिंग रॉड जब इससे पिस्टन जब घूमना शुरू कर देता है, तो ये चलना शुरू करते थे और पंप होता था। तो देखिए, ये बड़े कंप्रेशर की है और इसका जो वाइंडिंग है, आप देखिए दो तरफ है। और ये देखिए, ये जो टर्मिनल है, तीन टर्मिनल कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है। टर्मिनल जो कंप्रेशर के हाउस है, कंप्रेशर के हाउस के अंदर जो रिले ओवरलोड के टर्मिनल दिया जाता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, उसमें जाके ये कनेक्ट होता है। तो दोस्तों, ये एक बड़ा फ्रिज का वाइंडिंग है, ये उसका कॉयल है। और उसके बाद देखिए, ये जो छोटा है मेरे बगल में, ये भी एक छोटा है, तो ये छोटे फ्रिज का है जो कम वाट के होता है और पहले था वो 12 वाट के। तो दोस्तों देखिए, इसमें भी सेम कॉपर की वाइंडिंग है, तो इसके वाइंडिंग करने का तरीका सेम एक ही होता है। अगर मैं फुर्सत पाओ तो आपको मैं डिटेल में दिखाओ कि कैसे कंप्रेशर के जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो सारे वाइंडिंग है, वाइंडिंग अभी किया जा चुका है और मेरे पास कंप्रेशर भी है। तो देखिए, ये कंप्रेशर है, इसे
मैं अभी रिपेयर कराऊंगा या फिर खुद ही करूंगा। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या क्या दिक्कत होता है ये भी मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों देखिए जो कम रनिंग स्टार्टिंग है, तीन टर्मिनल होती है, इसी में जाके ये जो रबर की जो कम रनिंग स्टार्टिंग वेंडिंग के साथ जुड़ा होता है रोटर के साथ, तो उससे इसे कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों उस कंप्रेशर को कटने से पहले उसके अंदर जो ऑयल होता है, ऑयल को निकल लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ऑयल अभी इसे निकाला गया है। निकलने के बाद देखिए कंप्रेशर को काटा जाएगा। Thank you.
तो दोस्तों देखिए, कंप्रेशर कटने के बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पहले जैसा था ये उसी तरीके का है। तो ये देखिए, ये कनेक्टिंग रॉड होता है, ये हमेशा घूमते रहते हैं, पिस्टन है, जब भी इसमें पावर दिया जाता है, जो इसके वाइंडिंग है, वाइंडिंग के जरिए ये ऑपरेट होता है। और ये जो आप लोहे के पाइप देख पा रहे हैं, ये कॉपर पाइप जिसे लोहे के पाइप है, और इस तरफ देखिए ये पंपिंग हेड है। जब भी इसमें करंट दिया जाता है, जो इसके बिजली दिया जाता है, तो ये पंपिंग हेड के जरिए पंप होता है, और ये डिस्चार्ज पाइप के जरिए डिस्चार्ज से हवा निकलता है। और ये सक्शन लाइन और एक चार्जिंग लाइन है, ये दोनों खाली है। तो दोस्तों ये जब डिस्चार्ज लाइन देता है, तो इसका जो सक्शन मफलर है, एक बार बंद होता है, एक बार ओपन होता है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो नाट है, चारों नाट इसमें से खोला जाएगा। खुलने के बाद इसका जो वेंडिंग है, वेंडिंग को भी चेक किया जाएगा कि इसके अंदर कौन सी खराबी है, उस खराबी को हमें आइडेंटिफाई करना है, तब भी जाके इसे कंप्रेशर को रिपेयर किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसे एक फ्लट के जरिए इसमें सिर्फ एक स्क्रू के मदद से इसमें खोला गया है। तो देखिए, इसका रोटर है, इसका इंजन भी आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए वेंडिंग है, और इस वेंडिंग में देखिए इस जगह फूक चुका है, जल चुका है, वो बिल्कुल काला हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में इसका जो वायर है, वायर बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, कॉइल के साथ जुड़ चुका है। तब भी इसमें जब भी लाइन दिया जाता है, तो इसका जो सर्किट ब्रेकर ट्रिप करने लगता है, तो इसलिए ये जो वेंडिंग है इसका ख़राब हो चुका है। तो इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, ये अभी इसका वेंडिंग करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, तो इसे डायरेक्टली रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये देखिए, कंप्रेशर के हाउसिंग है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इस जगह इसका जो है बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये डिस्चार्ज पाइप है, डिस्चार्ज पाइप इसे पंप होता है, कंप्रेशर से इसे हवा निकलते हैं। दोस्तों देखिए, इसे सेट किया गया है, और इसका जो वेंडिंग है, वेंडिंग को इससे अभी रिप्लेस किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर सिर्फ कुछ भी नहीं है, आपको एक कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन और इसका और कुछ मिलेगा जो इससे ऑपरेट किया जाता है, और ये आर्मेचर है। तो दोस्तों देखिए, कटने के बाद इसे रिपेयर किया गया है। रिपेयर करने के बाद ये जो इसके कंप्रेशर है, कंप्रेशर को दोबारा इसे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग किया जाएगा, ताकि जो रिपेयर किया गया है, जो कंप्रेशर जो काटा गया है, उसमें इसे रिपेयर किया जाएगा, ताकि जो इसका काटा का हिस्सा है, उस काटे हिस्से को उसे वेल्डिंग करके बंद कर देना है, ताकि उसमें से लीक ना हो सके। जब भी रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस चार्ज किया जाएगा, कंप्रेशर के अंदर, तो उसे गैस लीक ना कर पाए, उस लीक को बंद करने के लिए वेल्डिंग करना बहुत आवश्यक होता है। तो दोस्तों अभी उस कंप्रेशर को वेल्डिंग किया जाएगा, वेल्डिंग करने के बाद उसको फ्रिज में दोबारा इंस्टॉल किया जाएगा, और उसमें गैस चार्ज भी किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए बारीकी से, ये जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर को धीरे धीरे वेल्डिंग किया जा रहा है।
तो दोस्तों देखिए, ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर वेल्डिंग करने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो इसका जो कुछ ही अब मिनट लगेगा इसका वेल्डिंग संपन्न होने में। तो ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर वेल्डिंग करने के बाद जिस फ्रिज में से इसे खोला गया है उसी फ्रिज में दोबारा इसे इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर जो गैस है रेफ्रिजरेटर के, उसमें भी गैस चेक किया जाए, गैस डाला जाएगा, गैस चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए इसका जो कंप्रेसर काटा गया है उस कंप्रेसर को वेल्डिंग करना आवश्यक होता है। अगर इसमें वेल्डिंग किसी भी प्रकार की लीक होता है या फिर चूक हो जाता है तो इसके जो गैस चार्ज किया गया है वो गैस चार्ज धीरे धीरे लीक हो जाएगा और आपके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सावधानी पूर्वक इसका जो वेल्डिंग करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लीक ना रहे। अगर लीक के रह जाता है तो आपको दोबारा इससे वेल्डिंग करना पड़ेगा और दोबारा वेल्डिंग करने के लिए तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना परेशानी है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप पहले चांस में इससे वेल्डिंग करें। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट कर बताइए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें और आपकी जो सोशल साइट है उसमें भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों इस टाइप के वीडियो पाने के लिए आप मुझे या मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए करे और आप उस वीडियो का आनंद उठा सके। तो दोस्तों देखिए, जो कंप्रेसर अभी बिल्कुल ओके हो चुका है तो इससे अभी